अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, जिसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और कराची के अंदर 22 अफराद ने, एक ही एरिया के, एक ही यूसी के 22 अफराद में ये कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। उसके बाद अब ये मामला ऐसा लग रहा है कि दोबारा से केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। आज एनसीओसी का इजलास भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसके हवाले से थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। UC 8 के हवाले से अगर बात कर ली जाए, मंगोपीर के इलाके की, तो वहाँ पर ये स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। अब इस स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर किन चीज़ों की इजाज़त होगी या फिर किस तरह से मामला टेकअप करेंगे और ये केसेस बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं, किसकी गफलत है, हुकूमती सतह पर है गफलत या फिर लोगों की लापरवाही की वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ MPA सादिया जावेद साहिबा मौजूद हैं। सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। ये जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है कराची के अंदर, क्या मामलात हैं, इजाफा होता जा रहा है केसेस के अंदर, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोविड पूरी दुनिया में ये मर्ज कहीं खत्म नहीं हुआ, लेकिन शायद हम पाकिस्तानियों ने बहुत जल्दी इस गलत फहमी में चले गए कि ये मर्ज खत्म हो गया। शुक्र है खुदा का कि हमारे पास वो तादाद और वो नंबर्स नहीं आए जो दुनिया के बाकी ममालिक से रिपोर्ट हो रहा है, चाहे वो हमारा नेबर इंडिया ही क्यों ना हो, ईरान ही क्यों ना हो। हमारे यहाँ भी केसेस के नंबर्स बढ़ने, क्योंकि एक बिल्कुल बात ये है कि हम एहतियात नहीं कर रहे एज नेशन, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरी नहीं कर रहे, जो इसके SOPs हैं वो हम पूरे नहीं कर रहे। मैं और आप रिलैक्स हो गए हैं कि जी कोविड तो कोई चीज ही नहीं है, तो इस वजह से इसके नंबर्स में बिल्कुल इजाफा हो रहा है और बात तश्वीशनाक है। जहाँ तक बात करें कि हुकूमती सतह पर, तो मेरा हाल से सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ सबसे ज्यादा, आज भी सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। नहीं तो ये जो इजाफा हुआ है सादिया, क्या समझती हैं, ये लॉकडाउन के खात्मे की वजह से इजाफा हुआ था? शादी हॉल्स भी हमने खोल दिए, अब तो स्कूल्स भी खोल दिए, तमाम गैदरिंग की जो प्लेसेस खोल दी हमने। मैं वही, बिल्कुल, शादी हॉल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि हमारी भी जिम्मेदारी एहतियात, बीमारी से एहतियात करना, कोई हुकूमत किसी मुल्क में जाके मुझे घर में बैठा नहीं सकती, मेरी जिम्मेदारी है SOPs पूरा करना, मुझसे पूरी करनी है। हर पुलिस वाला हर शहरी के ऊपर तो नहीं लगाया जा सकता ना कि वो SOP फॉलो करे। नहीं, अब होगा क्या, ये जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको कैसे टेकअप किया जाएगा, क्या इसके अंदर चीजें, किन चीजों को इस्तिस्ना हासिल होगी? अच्छा, देखिए, वही होगा कि एक फैमिली मेंबर को अलाउ किया जाएगा कि वो घर का जो सौदा सल्फ है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें, वो निकल सके, बाकी लोगों को रोका जाएगा और उस इलाके में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी क्योंकि जिस इलाके से रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। बाकी तो देखिए ना, हम तैयार नहीं हैं, हमें अपने बिजनेस में, बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं, तो जैसे कमिश्नर कराची ने भी कहा SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, 3-3 दिन तक वो चीजें सील कर दी जा सकती हैं, बंद रखी जाएंगी। तो अब क्या होने जा रहा है, शादी हॉल्स या दीगर जो जितनी भी गैदरिंग की जगह है उन पर भी दोबारा से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी? अभी अभी डीसी साउथ ने क्लिफ्टन के इलाके में 3 रेस्टोरेंट सील किए क्योंकि वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे, वो SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। हम बिल्कुल बिजनेसेस खोल रहे हैं, बिजनेसेस खोल रहे हैं, बगैर बिजनेस के किसी का गुजारा नहीं है, बहुत सारे लोगों की नौकरी स्टेट पे है, लोगों का रोजगार का मसला है, लेकिन ये रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज SOPs तो हम फॉलो कर सकते हैं ना और करवा सकते हैं। अगर अगर रेस्टोरेंट खोलने की और शादी हॉल खोलने की इजाजत दी गई है तो उस पे SOPs फॉलो कराना उस प्रीमिसेस के ओनर की जिम्मेदारी है, को जो लोग शादी कर रहे हैं, जो खानदान, उनको वो SOPs का ख्याल रखे। हम और आप तो देखे ना, हम और आप शहर में निकलते हैं, आप भी शहर में निकलते हैं, मैं भी शहर में निकलती हूँ, कितने लोग हैं जो मास्क लगाने के लिए तैयार? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सारी स्कूल्स भी खोले गए हैं, बल्कि सईद गनी साहब ने फिर जो स्केड्यूल में ताखिर की गई थी उसको भी फिर करेक्ट किया और तमाम क्लासेस खोल दी गई हैं, अब तमाम तालीमी सरगर्मियां दोबारा से बहाल कर दी गई हैं। तो क्या स्कूलों की तरफ भी दोबारा सोचा जा रहा है कि उनको बंद किया जाएगा?
देखिए, जो मेरी ये जाती राय है, मैं सिंध गवर्नमेंट की वो बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरी जाती राय है। देखिए, मिडिल टू मैट्रिक या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो फिर भी कहा जा सकता है कि आप मास्क पहने, SOPs को फॉलो करें। जो जूनियर स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स हैं, जिसमें दो ढाई साल से पांच छह साल के बच्चे जाते हैं, उनके बारे में मेरा ये मानना है कि वो सेक्शन हमें नहीं खोलना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल यही एग्जैक्ट पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूँ। जैसा आपने कहा कि स्कूल्स के अंदर कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको अभी नहीं ऑब्लाइज किया जाए, जिनके हवाले से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल ही रखी जाएँ। अब अज़रा पेशी साहबा की बात कर ली जाए तो वज़ीर सेहत ये कह रही हैं कि इस वक्त स्कूल्स ना खोले जाएँ। सईद गनी साहब कह रहे हैं कि स्कूल्स खोलने चाहिए, जैसा कि खुल गए। तो क्या सिंध हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है अपने इस मामले पर? नहीं, कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है, क्योंकि देखिए ना, अगर अगर हम जब हम वो सूबा था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन का ऐलान किया, ठीक है, उसके बाद आप देखे ना, हमें फेडरेशन की तरफ से या दूसरों सूबों की तरफ से कितना प्रेशर आया। अच्छा, केसेस भी सबसे ज्यादा सिंध में ही आए ना? केसेस भी हमारे पास थे, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी हमारे पास थी ना, शायद जी। सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी हमारे, जिस जगह टेस्टिंग ज्यादा होगी वहीं केस की जितनी टेस्टिंग होती जा रही थी उतने केसेस बढ़ते चले जा रहे थे सिंध में भी। जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग तो देखिए ना, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, उनको वो तो ये कहती कि जी हम तो कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को, वो ये काम नहीं कर रही। ये क्या मायार सेट कर लिया कि जितने टेस्टिंग होगी उतने ही केसेस निकल कर सामने आएंगे? जी देखिए, ये पूरी दुनिया में, ये मेरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है कि जिस जगह ज्यादा टेस्टिंग होती है वहाँ पेशेंट का नंबर आपके पास आता है। अगर मैं आज इस सूबे में, हमारे सूबे में टेस्टिंग जीरो कर दी थी, तो आपको क्या पता कि कौन नहीं। तो लॉकडाउन सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस थी वो भी सिंध में थी, और खास तौर पे कराची वो वाहिद शहर है जिसने सबसे ज्यादा सख्तियां झेली हैं लॉकडाउन के हवाले से। अच्छा, लोग बेरोजगार भी हुए थे सादिया, तो अब दोबारा क्या मामला होने जा रहे हैं इस माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में? बेरोजगार तो नहीं होगा? नहीं, देखिए नहीं, देखिए अब उस तरह का तो मेरा ख्याल से लॉकडाउन ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम उस तरह जो जब कोविड आया था 23 मार्च से जो पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा था या सिंध में लॉकडाउन लगा था उस सिचुएशन पे दोबारा चले जाएंगे। पाकिस्तान में वो मेडिक वो कोविड की पोजीशन नहीं है, लेकिन देखिए ना, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, SOPs फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप मुझे बताएं फिर उसका हल क्या? आप आज एक 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 यूसी से 22 लोग चले, जैसे यूसी 8 की बात कर ली जाए, मंगोपीर में जो लगाने का फैसला किया गया है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, अब आप कह रही हैं कि ठीक है वो सिचुएशन बिल्ड नहीं होगी जो पहली सिचुएशन थी लॉकडाउन की, लेकिन उस यूसी के अंदर भी तो ये रिस्ट्रिक्शंस है ना कि एक ही फर्द घर से बाहर निकलेगा, वहाँ होटल्स नहीं चलेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, तो लोग बेरोजगार नहीं होंगे क्या? बेरोजगार देखें ये भी तो हो सकता है कि अगर आप देखें वो बिल्कुल इस वक्त मजबूरी के तहत ये काम किया गया ना, तो फिर उनकी मजबूरी को पूरा करने के लिए उनकी जो जरूरियात हैं सिंध हुकूमत माली इमदाद करेगी उसका? देखे मेरी बात सुने, उसका भी बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा। जाहिर सी बात है, सिंध की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक चीज को नोटिस किया है, एक फैसला किया है, तो जो मदद की जा सकेगी वो की जाएगी। और ये भी हो सकता है ना कि लोग SOP इस वजह से डर के SOPs फॉलो करें तो शायद नंबर्स में कमी भी हफ्ते 10 दिन में आ जाए। कोई महीनों के लिए तो लॉकडाउन नहीं किया गया ना, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एहतियात। देखिए, कोविड का दुनिया में फकत कोई इलाज नहीं, चाहे वो अमीर से अमीर मुल्क हो, गरीब से गरीब मुल्क हो, कोविड का दुनिया में कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ इलाज है एहतियात। जो मेरी आपके चैनल के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है कि आपका चैनल कराची में उसकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, तो मैं रिक्वेस्ट लोगों से कर सकती हूँ कि प्लीज SOPs को फॉलो करें, क्योंकि आप खुद, हम खुद भी तकलीफ में आते हैं। जाहिर सी बात है, किसी का बिजनेस बंद होगा, हम घरों में कैद होंगे, तो तकलीफ तो हम सबको आती है ना। तो अच्छा, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे साथ, यह बहुत बड़ी तादाद है, और बड़ी माजरत के साथ सरकारी दफातर का भी जब मैं दौरा करता हूँ तो वहाँ वॉक थ्रू गेट्स तो लगे हुए हैं, लेकिन अंदर अगर ऑफिस की बात कर ली जाए
तो प्राइवेट ऑफिसेज हों, सरकारी ऑफिसेज हों, वहाँ कोई शख्स मुझे मास्क पहना हुआ नहीं दिखता है, ना सैनिटाइजर्स मुझे दिखते हैं, तो फिर इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाई है हुकूमत ने कि कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे तमाम SOPs को फॉलो करने के लिए? देखिए, कोशिश तो सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह से कर रही है और बिल्कुल कुछ जगहों पर बहुत सख्ती है, कुछ जगहों पर बहुत रिलैक्स। मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे पहले बड़े मॉल्स के बाहर सैनिटाइजिंग मशीन्स लगी थी। कोविड खत्म नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ है, बिजनेसेस खुले, लोगों ने वो सैनिटाइजिंग मशीन्स हटा दी है। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल उनके खिलाफ देखिए ना, जाहिर सी बात है, नंबर में रेज आया है। एंड अब क्योंकि अब हम लोगों ने ये जहन बना लिया है, पूरी दुनिया ने, हमने क्या, पूरी दुनिया ने, कि वी हैव टू लिव विद दिस वायरस। अभी इसका कोई इलाज नहीं है और इसका सिर्फ हल यही है कि इसकी SOPs फॉलो करें। तो हम लोगों से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज SOPs को फॉलो करें, और बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को भी वो स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी कि रेस्टोरेंट्स, खास तौर पे रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस, वहाँ SOPs फॉलो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया, वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। लोगों से भी यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो SOPs हैं ऑब्वियसली उनको फॉलो किया जाए। तादाद जो केसेस की थी वो कम हुई थी, लेकिन ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ था, ये वबा अभी भी मौजूद है, लेकिन लोगों के अंदर सीरियसनेस नहीं देखी जा रही है, जिसकी वजह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। हो ये सकता है कि इस सूरत हाल को देखते हुए स्कूल्स के हवाले से भी कुछ फैसला चेंज किया जाए, और ये भी हो सकता है कि फिर जैसे पुरानी सिचुएशन थी, बड़ी सख्ती थी लॉकडाउन के अंदर, लोगों को निकलने ही नहीं दिया जाता था, फैक्ट्रीज बंद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी, तमाम कारोबार बंद थे, तो अगर इस सिचुएशन से बचना चाहते तो आपने SOPs फॉलो करना। यहाँ पर एक वक्फा लूँगा।